नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। इटावा में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए नरेश उत्तम पटेल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले साल 2014, फिर साल 2017, फिर 2019 और उसके बाद साल 2022, अब आज के बाद आगे नया विहान नहीं है, मार्ग अवसान की तरफ बढ़ता दिख रहा है। श्रावस्ती में नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों को सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद में अज्ञात लोगों पर एक छात्रा ने अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि छात्रा और उसकी सहेली ने पानी की बोतल मारकर अपहरणकर्ताओं से हाथ छुड़ाकर वो भागी हैं। घटना से भयभीत छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिरोजाबाद के शुकाबाद में शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही पानी की किल्लत से परेशान गंगानगर कृष्णानगर मोहल्ले की महिलाओं ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि शहर में हर जगह पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगर जल्द पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो चक्का जाम कर प्रदर्शन करेंगे। आज 50 साल से रह रहा हूँ, अभी तक यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी। कई बार लिखा पढ़ी कर चुके हम, और यहाँ तक है कि यहाँ सरकारी टेबुल था उसका 99 साल का पट्टा करके, और सरकारी समर में प्राइवेट 2 समरें पड़ी हुई है, उसको बंद कर दिया गया है। लिहाजा हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। आज 50 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, पानी के लिए मोहताज हैं। रात को उठते हैं, जाग जाग करके दूसरों के घर से पानी ले रहे हैं। कोई 400 रुपये में पानी महीना मिलता है, कहीं चौराहे पे से लाते हैं, बहन बेटी जाती हैं, इनकी इज्जत बेइज्जती होने का बहुत बड़ा अंदेशा रहता है। फतेहपुर में महिला के साथ युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसके साथ जमकर मारपीट की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने महिला द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक महिला द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर धारा 376-323 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अपने पड़ोस के आनंद रोधी को अभियुक्त बनाया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है, विवेचना में तथ्यों के आधार पर अभियोग कार्रवाई की है। माननीय उप जिलाधिकारी न्यायालय सदर से भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत जो एक आदेश हुआ था, जिसमें जो है रामनारायण द्विवेदी ने केस किया था कि हमारे लड़के ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है और जो है वो हमको घर में रहने नहीं दे रहे हैं, तो भरण पोषण अधिनियम में आदेश हुआ था, उसी आदेश के अनुपालन में जो है आज इस मकान को खाली कराया जा रहा है। अलीगढ़ में ट्रक ने धान से भरे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के परखच छोड़ गए। ट्रैक्टर सवार बाबीटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम हटवाया। अमेठी में नियंत्रित ट्रक ने रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों का सुल्तानपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेठी में अपने एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अमेठी पुलिस ने केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बीजेपी किसान मोर्चा ने पौधारोपण किया। इसके बाद जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी, MLC शैलेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाजीपुर के तुलसीपुर में प्रिंसिपल पर बच्चों से शौचालय साफ कराने का आरोप है। प्राथमिक विद्यालय तुलसीपुर में पढ़ रहे बच्चों का आरोप है कि लगभग कई महीनों से हर 2 दिन में हम लोगों से शौचालय साफ करवाए जाते हैं। बच्चों का यह भी आरोप है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो भत्ती गालियां दी जाती हैं। जब इस संबंध में विधिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी टीचर काम करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। यदि इस विषय में संबंधित अध्यापक दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी वहाँ अभिभावक रहे जो आरोपों पर आरोप लगाते रहे, प्रधाना अध्यापक और शिक्षा मित्र को जाँच कराने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और यदि उसमें कोई भी शिक्षक इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों का भी आरोप है कि प्रधाना अध्यापक और शिक्षा मित्र गाली देती हैं, मारती हैं। गोरखपुर के तिवारीपुर पुलिस और SOG की टीम ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो बच्चे चोरी की घटनाओं में शामिल रहा करते थे।
पिछले दिनों बच्चा चोरी की घटना के दौरान गांव वालों ने कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा था। पूछताछ में पुलिस ने इस ग्रोह का खुलासा करते हुए बताया कि इस ग्रोह के साथ सक्रिय सदस्य जिसमें 5 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस ग्रोह के आधे दर्जन सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। इस गिरोह के तार मऊ तक जुड़े हुए हैं। एसएसपी ने गिरोह का गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए 20,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में 26/9/2022 की शाम के समय एक सूचना मिली कि एक बच्चा चोरी हुआ है और एक गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। तो इस संबंध में थाना तिवारीपुर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन में आते हुए हम मौके पर गए एवं जिन लोगों के साथ जनता ने पिटाई की थी उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया एवं बाद में सघन पूछताछ के बाद में पता चला कि ये लोग मऊ के एक अनाथालय से यहाँ पे एक बच्चे को देखने के लिए आए थे और उसके लिए बच्चे का 45,000 रुपये में सौदा हुआ था। इसके बाद में पुलिस धरपकड़ में लगी कि बच्चा कहाँ है और धीरे धीरे जब एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई तो पता चला कि एक जितेंद्र भारती नाम का व्यक्ति है जो कि एक गोल्डी नाम की महिला है जो उसको उसके माध्यम से बच्चों का पास्ट में भी करीबन 20-25 बच्चों के फोटो इसके मोबाइल से मिले हैं। सिद्धार्थ नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के कार्यक्रम की वजह से एक टोटल व्यक्ति कई घंटों तक फंसा रहा। मथुरा में सौतेले पिता ने बेटे की हत्या कर दी। दरअसल मामूली बात को लेकर सौतेले बाप ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे बच्चे की मौत हो गई। अलगर पोस्ट ऑफिस का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। वीडियो में पोस्ट मास्टर ड्यूटी के दौरान ऑफिस में शराब के पैग छलका रहा है। पोस्ट मास्टर को शराब पीते वीडियो वायरल होने पर जमकर बवाल हुआ। 15 सेकंड की वीडियो में शराब के साथ साथ ऑफिस का कार्य करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।